हम लोग अपने लास्ट क्लास में एमसीक्यू देख रहे थे कंपास सर्विंग के, कंपास सर्विंग के हम लोग एमसीक्यू देख रहे थे, ठीक इसी को आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। इसी में आगे प्रोसीड करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 438, ठीक इसके ऊपर तक हम लोग दे चुके थे। 438 हम लोग को देखते हैं, 438 में क्या कह रहा है आपको, कह रहा है कि इनमें से आपको राइट जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट है, ठीक। तो इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मीडियम रेस्ट इन मैग्नेटिक मीडियम, ठीक है, ठीक। द एंगल बिटवीन, द एंगल बिटवीन the true meridian and the magnetic meridian is called magnetic variation, ठीक है। One end of the magnetic meridian is supported at its center of gravity tends to dip down towards the nearer magnetic pole of the earth, ठीक है। तो ये भी सही है, ये तीनों ऑप्शन सही है, यानी ऑल ऑफ द अबव आपका सही है, ठीक। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 439, ठीक। When the declination is negative the magnetic meridian will be on which side of the डायरेक्शन में जब होगा तो उसको निगेटिव मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपास सर्वेइंग The direction and the length of the survey is measured by compass. नहीं ये गलत है, ठीक, क्योंकि direction तो हम measure करते हैं compass से, लेकिन length हम measure करते हैं chain से। The direction is measured by compass, तो इसलिए नहीं। The length of survey line is measured by chain or tape, ठीक है। तो B और C आपके दोनों option जो है वो सही है, ठीक। तो इसमें से option क्या सही हो जाएगा, D, both B and C are right, okay। Next question आपके पास है, question number 441, ठीक। क्वेश्चन नंबर 441 आपसे पूछ रहा है कि अगर आपके पास आपको अगर ट्रू बियरिंग निकालनी हो किसी भी लाइन की तो आप कैसे निकालें, आपको पता है मैग्नेटिक बियरिंग से आप क्या कर सकते हैं प्लस या माइनस करते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक। आपको क्या मिला है, ट्रू बियरिंग मिला है। ये प्लस साइन कब आता है माइनस साइन कब आता है ये बताएंगे आप। ये प्लस साइन डिपेंड करेगा कि आपका जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है ईस्टवर्ड है कि वेस्टवर्ड, इस पे डिपेंड करेगा ये प्लस कब आएगा और ईस्ट नेगेटिव कब आएगा, ठीक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो पहला है मैग्नेटिक बेयरिंग माइनस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ये हमेशा सत्य नहीं है, ठीक। फिर है दूसरा मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस माइनस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, हाँ ये सही है, ठीक। तो आपको ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। फिर अगर ऑप्शन सी नंबर देखें तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, केवल आपका बी सही है। 441 का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, 441 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेट कैप इज फिटेड, अगेट कैप कहाँ पर लगा रहता है, अगेट कैप आपका लगा रहता है मान लीजिए आपकी मिडिल है, मिडिल इन द सेंस आपका पाइवट पॉइंट है, मान लीजिए आपका पाइवट पॉइंट है। अब इसमें क्या लगी हुई है, मिडिल लगी, मान लीजिए मिडिल है, मिडिल के जस्ट ऊपर एक अगेट कैप लगा रहता है ऐसा, इसे कहते हैं अगेट कैप। कहाँ लगा रहता है ये, प्रिज्मेटिक कंपास में, प्रिज्मेटिक कंपास में अगेट कैप लगा रहता है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 443, ये पूछ रहा है कि लोकल अट्रैक्शन ऑफ सर्वे कंपास इज लॉस ऑफ मैग्नेटिक मिडिल प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल टू बी, लोकल अट्रैक्शन क्यों होता है अगर आपके सर्वे के क्षेत्र के आसपास अगर कोई मैग्नेटिक
मटेरियल है ठीक, तो उसके कारण क्या होगा, लोकल अट्रैक्शन होगा, तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। फिर क्या है और क्वेश्चन नंबर फोर, इसमें क्या बोल रहा है, प्रिज्मेटिक कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास में जो आपके ग्रेजुएशन होते हैं क्या इनग्रेव्ड होते हैं, उल्टे कूदे होते हैं ठीक, तो ये बात सत्य है उल्टे कूदे होते हैं। दूसरा कह रहा है आर अपराइट, ये गलत है, सीधे नहीं होते ठीक। रन क्लॉक वाइज हैविंग जीरो एट साउथिंग, ठीक है, जीरो डिग्री एट साउथ, बोला है कि क्लॉक वाइज चेंज होता है, क्लॉक वाइज मतलब ऐसे चेंज होता है और जीरो साउथ पर लिखा रहता है, ये भी सही है ठीक। तीन भी सही है, रन क्लॉक वाइज हैविंग जीरो एट नॉर्थ, ये गलत है ठीक। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर है वन और फोर, थ्री, ये दोनों सही है। अब इसमें देखिए वन और थ्री कहाँ पर दिया हुआ, वन और थ्री ए ऑप्शन में दिया, 444 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही, 444 का। क्वेश्चन क्या आपके पास, क्वेश्चन है आपके पास कि प्रिज्मेटिक कंपास यूज किया जाता है कौन सी बेयरिंग निकालने के लिए। प्रिज्मेटिक कंपास पहले तो WCB सिस्टम में काम करता है, WCB मतलब मोड एक मान प्रणाली, इस प्रणाली पर काम करता है, जिस प्रणाली पर काम करता है वही तो बियरिंग देगा, WCB में काम करता है तो आपको WCB बियरिंग देगा, सीधी सी बात है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ए, 445 का ऑप्शन नंबर ए। रिड्यूस बियरिंग पे कौन सा काम करता है, प्रिज्मेटिक कंपास। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 445 का ए। 446 पूछ रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना। 446 बोल रहा था ट्रू मेरिडियन एट डिफरेंट प्लेस आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक बोल रहा है द ट्रू मेरिडियन आर एट डिफरेंट प्लेसेस पैरेलल टू ईच अदर ठीक। फिर बोल रहा था ट्रू मेरिडियंस कन्वर्ज एट अ पॉइंट इज नॉर्थन एंड साउथर्न हेमिस्फीयर, तो ये भी सही है ठीक, ये सही है, बी सही है। फिर आपके बाद क्या है, सी बोल रहा है द ट्रू मेरिडियन एट एनी प्लेस इज नॉट वेरिएबल, ये भी सही है, ट्रू वेरिएबल नहीं होते, ट्रू मेरिडियन जो होता है आपका सत्य दिक्मान होता, कभी चेंज नहीं होता, ये आज भी ऐसा ही है, कल भी ऐसा ही है और आने वाले 1000 साल तक ऐसे रहेगा ठीक, इसकी दिशा चेंज नहीं होती। द मैप प्रिपेयर्ड बाई नेशनल सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ एनी कंट्री बेस्ड ऑन ट्रू मेरिडियन, ये भी सही है। इसमें से अगर आप पहला ऑप्शन देखें तो पहले ऑप्शन को हम गलत पूछ सकते, क्या ट्रू मेरिडियन एट डिफरेंट प्लेस आर पैरेलल टू ईच अदर, कोई जरूरी नहीं है कि पैरेलल है। 446 का ये आपका सही होगा, यानी ये इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन WCB ऑफ नेक्स्ट ट्रेवर्स लाइन एड द ट्रेवर्स एंगल टू द बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन इफ द सम इज मोर देन 360 डिग्री, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर ये बोल रहा है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले ये अपना मान लीजिए तो कोई रेखा है ठीक, ये कोई अगली रेखा है, तो दो रेखाएं दोनों को नामांकित कर देता हूं ए और बी और सी। मान लीजिए आपको एक बी रेखा का दिक्मान दिया हुआ, एक बी रेखा का दिक्मान दिया हुआ आपको, दिया हुआ मान लीजिए कोई थीटा है थीटा ए, फिर आपको क्या दिया हुआ है, आपको अंतर्गत कोण दिया हुआ, बोला तो है ट्रेवर्स एंगल, ट्रेवर्स एंगल ऑफ ठीक टू द बियरिंग ऑफ द प्रीवियस लाइन ठीक है, तो प्रीवियस बियरिंग से आपका नेक्स्ट ट्रेवर्स एंगल दिया, यानी इंटरनल एंगल दिया हुआ। मान लीजिए ये अल्फा बी है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, अगर आपको अगली बियरिंग का दिक्मान निकालना, दिक्मान क्या ये वाला, ये चीज निकालनी, इसको मैं थीटा भी बोलता हूं, ये कैसे निकाली जाए, इसके लिए रूल है। क्या रूल है, अगर आप दोनों का सम लें, क्या करें, रिवर्स एंगल, तो इसका और इसका अगर आप सम लें,
अल्फा बी और अल्फा थीटा एक अगर आप सम लें और सम लेने के बाद ये दोनों 360 से ज्यादा आ जाए तो आपको थीटा बी निकालने के लिए इसमें से 360 माइनस करना पड़ेगा अगर ये 360 से ज्यादा आ रहा है ग्रेटर देन 360 तो आपको 360 माइनस करना पड़ेगा अगर 540 से ज्यादा आ रहा हो तो 540 माइनस करना पड़ेगा ओके तो ये अगर आपको प्रीवियस की बेयरिंग दी गई है बोर बेयरिंग तो आगे वाली लाइन की अगर बोर बेयरिंग निकालनी हो तो इंटरनल एंगल की मदद से ऐसे निकाला जा सकता है तो ये रहा इस क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन नंबर 448 तो 447 में पहले आंसर क्या होगा 44 में आंसर हो जाएगा आपका बी 360 448 में बोला है इफ अ बेयरिंग इज नोटेड है नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट नॉर्थ और ईस्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्थ और ईस्ट क्वाड्रेंटल सिस्टम रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है तो ये बता रहे हैं कि ये जो रेखा है आपकी नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में है ठीक यानी सी अब एक्स का क्या मतलब है मान लीजिए ये आपके चार क्वाड्रेंट ये कोई रेखा है ये रही जिसकी बेयरिंग आपको दी हुई है कितनी हुई है 45 डिग्री ये रेखा कौन से क्वाड्रेंट है नॉर्थ और ईस्ट क्वाड्रेंट ये नॉर्थ और ईस्ट क्या बता रहे हैं ये बता रहे हैं कि ये पहले क्वाड्रेंट में है यानी नॉर्थ और ईस्ट के क्वाड्रेंट में वो क्वाड्रेंटल सिस्टम रिप्रेजेंट कर रहा है सी अगला क्वेश्चन है 449 अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन 449 आपके पास है ये बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है इफ बेयरिंग ऑफ ए बी इज कितना देन द बेयरिंग ऑफ ए सी कितना ये कैसे बता सकते हैं आप मैं पहले तो ट्रायंगल बना लेता हूं इक्विलेटरल ट्रायंगल बना इक्विलेटरल मतलब कि सभी भुजाएं क्या हो बराबर ये बना दिया ये मान लीजिए आपका ए ए बी है और ये सी है ओके अब प्रत्येक कोण कितने के होंगे जब इक्विलेटरल है तो 60 के होंगे सीधी सी बात है ये भी 60 होगा ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा और आपको क्या दिया हुआ आपको बेयरिंग दी हुई है ए बी रेखा ए रेखा की बेयरिंग कितनी दी हुई है 150 डिग्री आपसे क्या पूछा है बेयरिंग ऑफ एसी बता दीजिए इसकी बेयरिंग पूछ रहा है एसी एसी की बेयरिंग आपसे एसी की बेयरिंग पूछ रहा है ये आप मान लीजिए सीधा सी ये कैसे निकाला जाए इसको निकालने के लिए क्या किया जाए इसको निकालने के लिए आप यूज कर सकते हैं जैसे मान लीजिए ये कितना है ये 60 डिग्री है आपका आप क्या करिए 150 में कितना जोड़ दीजिए 150 में आप जोड़ दीजिए 60 आपको एसी रेखा की बेयरिंग पूछ रहा है ये वाली बेयरिंग पूछ रहा है तो ये वाली बेयरिंग तो निकल ही जाए क्या करना है 150 में से 60 जोड़ दीजिए तो आपको मिल जाएगा कितनी बेयरिंग होगी 150 प्लस 60 की 50 210 क्यों क्योंकि आपको यहां से लेके यहां तक एंगल पता है अंदरूनी एंगल भी पता है कितना 60 तो इस 150 में अगर 60 जोड़ दें तो हमको ये पूरा एंगल पता चल जाएगा एसी रेखा की बेयरिंग पता चल जाएगी तो हमने ये किया 150 में 60 जोड़ दिया तो 210 इसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा 210 इसको और तरीके से भी निकाल सकते हैं इसको और तरीके से भी निकाल सकते हैं तो 230 ए 210 सॉरी
मेरा 450 आपका। 450 में क्या पूछा है? पूछा है इफ द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ अ सन एट अ प्लेस एट अ नून इन साउथर्न हेमिस्फीयर। तो पहले तो अगर दोपहर का समय है यानी नून का समय है, तो नून के समय में अगर सूरज आपका साउथर्न हेमिस्फीयर में, साउथर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, मान लीजिए अर्थ है, अर्थ के बीच में एक लाइन गई होगी जिसको आप लोग इक्वेटर बोलते हैं या फिर विषुवत रेखा बोलते हैं, ये है मान लीजिए विषुवत रेखा, तो इसको कहते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, तो अभी सूरज यहाँ पर है और दोपहर का समय है, ठीक, तो सूरज की जो बेयरिंग होगी मैग्नेटिक बेयरिंग के रेस्पेक्ट में कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए आपकी, ठीक, और नॉर्थर्न में है तो कितनी होनी चाहिए, अगर साउथर्न में है तो 180 डिग्री होनी चाहिए और नॉर्थ में है तो 0 डिग्री। तो ये तो हो गया इसकी पीछे की कहानी। अब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है साउथर्न हेमिस्फीयर में है लेकिन बियरिंग 167। अभी बियरिंग 167 कैसे हो गई, कौन सी बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग, क्यों, क्योंकि ट्रू बियरिंग तो हमेशा उतनी रहने वाली, चेंज क्या होगी, केवल मैग्नेटिक बियरिंग। मान लीजिए ये आपका ट्रू नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ इसको मैं नाम दे देता हूँ, ट्रू नॉर्थ, ओके। तो हुआ क्या है, जो आपका मेरिडियन है मैग्नेटिक मेरिडियन, ये इधर की तरफ आ गया, ईस्ट की तरफ आ गया, ये मान लीजिए मैग्नेटिक मेरिडियन। अब ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये आपका सूरज यहाँ चमक रहा है, तो ये बेयरिंग दी हुई आप कितनी, 167 डिग्री, ये तो आपको बता दिया। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन कितना होगा। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन कैसे बताएंगे, और मैग्नेटिक मेरिडियन में जो अंतर है वो निकाल देना, ये वाला एंगल निकाल देंगे, कितना हो जाए, 180 में से 167 माइनस कर दीजिए, कितना होगा, 13 डिग्री। ठीक, तो ये 13 डिग्री आपका आ जाएगा। 13 डिग्री क्या लिखोगे इसमें, ईस्टवर्ड, ठीक, 13 डिग्री ईस्टवर्ड, तो डेक्लिनेशन आपका निकल जाएगा, ये 13 डिग्री ईस्ट की तरफ। ये कहानी समझ में आई होगी, छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन इसमें इसे बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट लगा हुआ, इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4.51, ठीक, इफ द डेक्लिनेशन ऑफ द मिडिल इज 10 डिग्री वेस्ट, ओके, तो 10 डिग्री वेस्ट आपका क्या है, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। उसके बाद बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, ठीक, तो ईच ऑफ द होल सर्कल रेकनिंग हैज टू बी माइकर्स बाय 10 डिग्री, ठीक है, जितनी भी होल सर्कल बियरिंग है वो 10 डिग्री से कम कर देंगे, ठीक, सीधी सी बात है, कम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कम कर देंगे, सही है, ठीक। फिर बोल रहा है इन द क्वाड्रेंटल मेथड ऑफ द करेक्शन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, तो ये भी सही बोल रहा है, अगर आपकी कोई रेखा क्वाड्रेंटल सिस्टम में फर्स्ट और थर्ड में है तो उसको क्या करना है, आपको पॉजिटिव कर देना, अरे पॉजिटिव करेक्शन लगाना, ठीक। इसके बाद क्या बोल रहा है, इन द क्वाड्रेंट नंबर सेकंड एंड फोर्थ द करेक्शन शुड बी अप्लाइड इज नेगेटिव, ठीक है, तो ये भी सही है, तो ए बी सी तीनों सही है, तो डी सही ऑप्शन। फिर क्या है 4.52, द नीडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास इज जनरली सपोर्टेड ऑन द, तो जेवल रिंग के ऊपर सपोर्ट करती है, ठीक, तो जेवल रिंग के ऊपर सपोर्ट करती है, इस पर सपोर्ट करती है, ये बॉल बियरिंग गलत है, नीडल बियरिंग गलत है, पुश बियरिंग गलत है, ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4.53, अ नेगेटिव डेक्लिनेशन शोज दैट द मैग्नेटिक मेरिडियन इज टू बी द साउथर्न साइड ऑफ द ट्रू मेरिडियन, गलत, ठीक, वेस्टर्न साइड ऑफ द ट्रू मेरिडियन, ये भी गलत, ईस्टर्न साइड ऑफ द, ईस्टर्न साइड वाला गलत है और बी वाला आपका सही है, वेस्टर्न साइड, क्योंकि अभी देखा था हमने
अगर आपकी वेस्ट डायरेक्शन में अगर डेक्लिनेशन हो तो वो क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक। और इस साइड में तो पॉजिटिव हो जाएगा, रिवर्स उसका अपोजिट, ठीक। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 453 का बी, वेस्टर्न साइड डेक्लिनेशन को आप निगेटिव डेक्लिनेशन भी कह सकते हो। फिर क्या आपके पास, द अब्सेंस ऑफ द स्फेरिकल एब्रेशन इन अ टेलीस्कोप इज नोन एज, जो आपका लेवल की जो ट्यूब होती है या फिर टेलीस्कोप होती है उसमें दो तरह के डिफेक्ट होते हैं। एक होता है आपका स्फेरिकल एब्रेशन जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। एक होता है क्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक, क्रोमेटिक एब्रेशन। ये जो अगर मान लीजिए अगर स्फेरिकल एब्रेशन जो है अब्सेंस है, यानी इस तरह का जो एरर है आपके टेलीस्कोप में नहीं है, तो उस तरह के टेलीस्कोप को आप क्या कहते हैं, अप्लानेशन, अप्लानेशन यानी विपथन, ठीक। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप ये बोलता है कि स्फेरिकल एब्रेशन की जगह लिखा रहता क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं है, ठीक, तो इसका ऑप्शन सही हो जाता है ए, अक्रोमेशन, लेकिन स्फेरिकल एब्रेशन बोल रहा है तो अप्लानेशन, यानी सी ऑप्शन से। तो ये आपके सिलेबस में तो है नहीं, पूछेगा नहीं, टेंशन की बात नहीं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ द टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ अ प्रिज्मेटिक कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास का अगर टेम्परेरी एडजस्टमेंट करना हो तो हमको पता है पहले सेंटरिंग की जाती है, लेवलिंग की जाती है, फिर फोकसिंग की जाती है, ठीक। तो सेंटरिंग, लेवलिंग और फोकसिंग, तो इसमें से पहला कौन सा पूछ रहा है, इसमें से पूछ रहा है पहला कौन सा होगा, पहले सेंटरिंग की जाती है, सीधी सी बात, ऑप्शन नंबर बी। तो 455 में बी सही होगा। फिर क्या है, द मैग्नेटिक निडिल इन अ प्रिज्मेटिक कंपास इज प्लेस्ड, जो मैग्नेटिक नीडल होती है प्रिज्मेटिक कंपास में कहां पर प्लेस की जाती है, कहां पर रखी जाती है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, अबव द ग्रेजुएशन एल्युमिनियम रिंग, जो एल्युमिनियम रिंग होती है उसके थोड़ा सा ऊपर फिट होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। फिर है 457, डैश इज द यूज फॉर ड्रॉइंग पैरेलल लाइंस टू एट एनी एंगल, तो ये पूछ रहा है 457 में आपसे कि इनमें से कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट आपका, ये ड्रॉइंग का क्वेश्चन है वैसे, तो जो सेट स्क्वायर होता है वो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक। क्लिनोमीटर ढाल के लिए यूज किया जाता है, ढाल मेजरमेंट के लिए, स्लोप मेजरमेंट के लिए, पेंटाग्राफ एरिया मेजरमेंट के लिए, ठीक। उसके बाद टी स्क्वायर तो आपको पता ही है, टी गुनिया, टी गुनिया देखने के लिए कि परपेंडिकुलर है कि नहीं। क्या आपके पास, सॉरी, ये जो पेंटाग्राफ है आपका, ये आपका अगर आपको नक्शा छोटा बड़ा करना हो तो उसके लिए यूज होता है, और जो प्लानीमीटर होता है, प्लानीमीटर आपका यूज होता है एरिया मेजर करने, ठीक। पेंटाग्राफ एरिया को छोटा बड़ा करने के लिए, स्केल छोटे स्केल पे बड़े स्केल पे बनाने के लिए, और प्लानीमीटर एरिया मेजर, तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा एक सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर आपका पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज होता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 458, इन क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम द बेयरिंग ऑफ अ लाइन, अब इसमें से सही बताना है, 458 आपको पूछते हुए सही बताना, ऑलवेज क्लॉकवाइज फ्रॉम साउथ पॉइंट टू द रेफरेंस ऑफ मेरिडियन टुवर्ड्स द लाइन ऑफ राइट, नहीं ये गलत है, ये बोल रहा है कि क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम, क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम क्या होता है, ये ना चार क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक, मान लीजिए कोई लाइन यहाँ है, कोई लाइन यहाँ है, कोई लाइन यहाँ है, कोई लाइन यहाँ, तो जो पहले क्वाड्रेंट में है उसको नॉर्थ से मेजर किया जाएगा क्लॉकवाइज, जो चौथे क्वाड्रेंट में है उसको नॉर्थ से मेजर किया जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, जो थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में है उसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाएगा, ठीक, साउथ से, और इसको नॉर्थ से, और जो थर्ड क्वाड्रेंट में है उसको क्लॉकवाइज मेजर किया जाएगा साउथ, ठीक। अब ये बोला ऑलवेज क्लॉकवाइज, तो ऑलवेज क्लॉकवाइज कहाँ पर, यहाँ पे देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे क्लॉकवाइज है, ये तो गलती हो गया पहला। फिर बोल रहा है बी, तो बी बोल रहा है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम ईस्ट और वेस्ट, तो वेस्ट और ईस्ट से थोड़ी मेजर किया हम लोग, यहाँ से थोड़ी मेजर किया हम लोगों ने, तो नॉर्थ और साउथ से मेजर किया, तो ये भी गलत है, ठीक। तो 458 का ए और बी दोनों गलत है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या ऑप्शन है, ऑप्शन दिया है सी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द नॉर्थ और साउथ,
whichever is the nearer the line towards east or west. ठीक, ये भी सही है. तो आप कहां से मेजर करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन से और साउथ डायरेक्शन से मेजर. तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा. ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 459. इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है इफ द ट्रू बियरिंग ऑफ अ लाइन ए बी, ट्रू बियरिंग दिया हुआ कितना 269 डिग्री 30 मिनट. ओके, देन एज्यूमिंग, एज्यूमिंग क्या होता है, ठीक, एज्यूमिंग भी क्या होता है, ट्रू बियरिंग ही होती है कुल मिला के. कितनी हो जाएगी इसमें से माइनस कर दीजिए आप, 360 डिग्री में से इसको माइनस कर दीजिए, 269 माइनस कर दीजिए 30 डिग्री. ट्रू बियरिंग, ट्रू मेरिडियन से ही नोट किया गया कितना आ जाएगा, 90, ठीक, और 90 डिग्री 30 मिनट. ओके, तो ये आ जाएगा सी ऑप्शन आपको, 459 तक सी ऑप्शन सही होगा. नेक्स्ट देखते हैं आपके पास क्या, क्वेश्चन नंबर 460. द ग्रेजुएशन इन अ प्रिज्मेटिक कंपास आर स्टार्टेड विथ अ जीरो एट, तो अभी देखा हम लोगों ने कि अंशांकित चक्री कुछ ऐसी होती है प्रिज्मेटिक कंपास की. इसमें जो होता है जीरो साउथ डायरेक्शन पर, ईस्ट डायरेक्शन पे 90, इधर फिर 180, फिर 270 और 360. तो जीरो कहां पर मार्क है, जीरो आपका साउथ में मार्क, और ये नॉर्थ में 180, वेस्ट में 90, ईस्ट में 270. तो इसमें क्या बोल रहा है, द ग्रेजुएशन इन प्रिज्मेटिक कंपास आर स्टार्टेड विद जीरो, जीरो से स्टार्ट होता है, लेकिन किस एंड से, साउथ एंड से. ठीक, तो साउथ एंड पर ही तो जीरो लिखा हुआ, तो जीरो कहां से शुरू हो रहा है, साउथ एंड से. एंड इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज ही तो बढ़ रहा है, देखिए घड़ी के घूमने की दिशा में बढ़ रहा है, जीरो से 90, 90 से 180, 180 से 270, लास्ट 260. तो कहां से शुरू हो रहा है, साउथ से. तो इसका क्या सही हो जाएगा, डी ऑप्शन. तो ग्रेजुएशन कहां से स्टार्ट होता है प्रिज्मेटिक कंपास, साउथ एंड से, जीरो वेस्ट में 90, नॉर्थ में 180, ईस्ट में 270. तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 461. बोल रहा है ट्रू मेरिडियन आर जनरली प्रेफर्ड टू मैग्नेटिक मेरिडियन बिकॉज, जो ट्रू मेरिडियन है यानी ट्रू बियरिंग जो आपकी होती है जनरली प्रेफर की जाती है. क्यों, क्योंकि ये समय के साथ कॉन्स्टेंट होती है. जब ट्रू मेरिडियन चेंज नहीं होगा तो ट्रू बियरिंग कहाँ से चेंज हो जाएगी, ठीक. तो ये दोनों कॉन्स्टेंट है हमेशा, इसीलिए ज्यादा प्रेफर किया जाता है. इसलिए जब प्रिसाइज काम करना रहता है यानी एक्यूरेट काम करना रहता है तो आप ये यूज करते हैं. जबकि मैग्नेटिक बियरिंग चेंज होती रहती है, हमको पता है क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन चेंज होता रहता है. इस चेंज को क्या कहते हैं, चेंज को वेरिएशन कहते हैं. ओके, द फॉरमोस्ट वर्क टू बी एग्जीक्यूटेड बाई ट्रेवर्सिंग विद अ कंपास, ठीक. तो आपको क्या करना पड़ेगा अगर आपको ट्रेवर्सिंग करनी है, किसी भी कोई भी सर्वे करना हो, आपको कोई भी सर्वे करना हो, तो सबसे पहले आपको रिकनेंस करना पड़ता है यानी आविष्ण करना पड़ता है. यानी आप खुले में जाते हैं, मान लीजिए एरिया है, तो सर्वे करने से पहले आपको कुछ काम करने पड़ते हैं. क्या करना पड़ेगा, आपको इस एरिया में जाना पड़ेगा, ठीक, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, और इस एरिया की जान पहचान करनी पड़ेगी. मान लीजिए यहाँ से नदी नाला जाना है, यहाँ पे माउंटेन है, ठीक, यहाँ पे बिल्डिंग है, तो आपको जो स्टेशन है मेन स्टेशन वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक. तो ये सबको ध्यान में रख के आप मेन स्टेशन सिलेक्ट करेंगे. एक शुरू में जाएंगे बस, खाली देखेंगे क्षेत्र को, देखेंगे क्षेत्र से पहचान बनाएंगे. इसी को कहते हैं रिकॉनेंस या फिर आविष्ण सर्वे. ठीक, तो सबसे पहले आविष्ण सर्वे किया जाता है किसी भी सर्वे. ओके, 465. फिर क्या है 463, द डायरेक्शन ऑफ एनी लाइन रिलेटिव टू गिवन मेरिडियन. उसको क्या कहते हैं, अगर किसी भी रेखा की डायरेक्शन आपको मेजर करनी है, ठीक, उसको क्या कहते हैं, बियरिंग कहते हैं. वो किसी से भी हो सकती है, वो ट्रू मेरिडियन हो सकता है, वो मैग्नेटिक मेरिडियन हो सकता है, वो आर्बिट्री मेरिडियन हो सकता है, वो ग्रिड मेरिडियन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक, इनसे जो बियरिंग मेजर करेंगे, उनसे जो डायरेक्शन मेजर करेंगे, उसी को कहते हैं बियरिंग. अब जिस तरह की मेरिडियन से यूज करेंगे उसको उसी तरह की बियरिंग बोलेंगे. ट्रू मेरिडियन से तो ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक मेरिडियन से तो मैग्नेटिक बियरिंग, ठीक, आपका आर्बिट्री मेरिडियन से तो आर्बिट्री बियरिंग,
उसी तरह से उसका नामांकरण भी होगा। 463 का ऑप्शन नंबर सी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 464, द प्रिज्मेटिक कंपास एंड द सर्वेयर कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास में कुछ लाइनें दी हुई है, उसमें से बताना है क्या सही है क्या गलत। क्वेश्चन नंबर 464 बोल रहा है गिव होल सर्कल बेयरिंग ठीक एंड क्वाड्रेंटल बेयरिंग। तो बोल रहा है कि प्रिज्मेटिक कंपास जो होता है वो डब्ल्यू सी पी बेयरिंग देता है ठीक, और सर्वेयर कंपास जो होता है क्वाड्रेंटल बेयरिंग देता है। सही तो बोल रहा है, गलत क्या बोल रहा है? डब्ल्यू सी बी में कौन काम करता है? प्रिज्मेटिक कंपास। क्वाड्रेंटल में कौन काम करता है? सर्वेयर कंपास। सही बोल रहा है, पहला ऑप्शन ही सही है आपका। 464 का ही। फिर नेक्स्ट क्या है? 465 क्वेश्चन नंबर 465। अ ट्रेवर सर्वे कैन बी प्लॉटेड। ट्रेवर सर्वे कैन बी प्लॉटेड, किस किस तरह से प्लॉट किया जा सकता है ट्रेवर सर्वे, उसके मेथड होते हैं। आपने जो ट्रेवर्स किया है उसको प्लॉट करना, प्लॉट करना मतलब पेपर पर बनाना, कैसे कर सकते हैं? बाय रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट और प्लॉटिंग बाय टेंजेंट। तो ये भी सही है, बाय पेपर प्रोटेक्टर और बाय इंक्लूड एंगल, तो इसे भी प्लॉट कर सकते हैं। बाय पैरेलल मेरिडियन मेथड, तो इसे भी प्लॉट कर सकते हैं ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। सारे मेथड है प्लॉटिंग के, और भी मेथड होते हैं प्लॉटिंग के ठीक। फिर क्या है इन प्रिज्मेटिक कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ये बताना कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 466, अ लाइन ऑफ साइट डज नॉट मूव विद द बॉक्स। तो लाइन ऑफ साइट डज नॉट, अरे भाई लाइन ऑफ साइट क्या? लाइन ऑफ साइट आपकी मतलब जो वेन बनाती है, तो जब आप कंपास को घुमाएंगे तो वेन भी घूम जाएगी, वेन घूमेगी तो लाइन ऑफ साइट भी चेंज हो जाएगी। पहला ही ऑप्शन गलत है। द मैग्नेटिक नीडल मूव विद कंपास, ये तो गलत है, अटैच ही नहीं होती, सर्वेयर कंपास में घूम जाती है। सर्वेयर कंपास में मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक मेरिट जो आपकी ग्रेजुएशन रिंग है वो क्या होती है? घूम जाती है ठीक, और नीडल अपनी जगह स्थिर रहती है सर्वेयर कंपास। लेकिन प्रिज्मेटिक कंपास में दोनों ही स्थिर रहते हैं, ग्रेजुएशन रिंग भी स्थिर रहती है और नीडल भी स्थिर रहती है, तो ये दूसरा ऑप्शन भी गलत है। द मैग्नेटिक नीडल एंड ग्रेजुएशन सर्किल डू नॉट मूव विद द बॉक्स, तो यही स्टेटमेंट सी जो है ये सही है। प्रिज्मेटिक कंपास में दोनों ही मूव नहीं करते, अपनी जगह पे स्थिर रहते हैं। तो 466 का ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 467, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर सर्वे मेजरिंग ऑफ द एंगल। एंगल मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं? तो पहला मैंने बताया था आपको कंपास यूज किया जाता है ठीक। फिर सेक्सटेंट बताया, सेक्सटेंट भी यूज किया जाता है। तो ये जो सेक्सटेंट है ये एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ठीक। क्वेश्चन नंबर 467 का ऑप्शन नंबर सी। क्लिनोमीटर ढाल मापा जाता है, एंगल नहीं मापा जाता क्लिनोमीटर से। In any convenient direction towards a permanent or prominent mark is called, ठीक है ये बोल रहा है कि कोई आर्बिटरी या फिर परमानेंट, आप कोई परमानेंट पॉइंट है उसको आपने कन्वीनियंटली डायरेक्शन मेजर करने के लिए वो मान लिया ठीक, तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? तो पता है आर्बिटरी मेरिडियन कहते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई चिमनी, चिमनी मतलब ईंट के भट्टे वाली चिमनी, मान लीजिए कोई चिमनी, चिमनी आपके पास, आपने क्या किया इस चिमनी की जो सत्ता है यानी ये चिमनी है इसको आपने क्या मान लिया? एक मेरिडियन मान लिया ठीक। इसको क्या कहेंगे? आर्बिट्री मेरिडियन। अब इस मेरिडियन के रेस्पेक्ट में अगर कोई भी रेखा ए बी है, मान लीजिए ए बी की आप बियरिंग बता रहे हैं, तो उसको कहेंगे, उसको कहेंगे आप क्या कहेंगे? आर्बिट्री मेरिडियन कहेंगे। क्या है 469, the four bearing and the back bearing of a line AB in a compass survey are differing by 180 degree, then we can calculate it following। तो अगर कोई भी रेखा AB है तो उसकी four bearing और back bearing का अंतर 180 degree है ठीक, तो इससे आप क्या अंदाजा निकाल सकते हैं, इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं या क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इससे स्टेशन ए मे बी अफेक्टेड बाई लोकल अट्रैक्शन, नहीं ठीक। 469 का जो ए है ये गलत है। स्टेशन बी मे बी अफेक्टेड बाई लोकल अट्रैक्शन, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी रेखा की जो फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग 180 डिग्री है, इसका मतलब दोनों ही स्टेशन
लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, तो इसमें बोल रहा है कि ए अफेक्टेड है, दूसरे में बोल रहा है बी, तो दोनों ही गलत हो गए। तीसरा देखते हैं क्या ऑप्शन दिया, तीसरा ऑप्शन दिया स्टेशन ए एंड बी बोथ आर नॉट अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन, तो ये सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। यही तो बोल रहा है, मैंने यही तो बोला कि अगर किसी भी रेखा का फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का अंतर 180 डिग्री है तो दोनों ही लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित नहीं, फ्री है, ठीक, तो सी ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 470, क्वेश्चन नंबर 470 देखिए क्या है, 470 क्या बोल रहा है, 470 बोल रहा था सर्वे स्टेशन सेटअप ड्यूरिंग ट्रेवर्सिंग विद कंपास शुड बी सच दैट, जो सर्वे स्टेशन होता है ठीक ड्यूरिंग द ट्रेवर्सिंग विद कंपास शुड बी सच दैट, कैसा होना चाहिए, पहला दे आर विजिबल फ्रॉम ईच अदर, ठीक, फिर बोल रहा है चेनिंग बिटवीन देम इज इजी, द लाइन ज्वाइनिंग देम आर नियर द ऑब्जेक्ट टू बी लोकेटेड, दे आर लॉन्ग एज पॉसिबल, ये तो गलत है आपका, ठीक, दे आर विजिबल फ्रॉम ईच अदर, ठीक, चेनिंग बिटवीन देम इज इजी, ये तो चेनिंग से कोई मतलब ही नहीं, ठीक, चेनिंग तो इजी हो जाएगी, नहीं होगी तो कर लेंगे अपना पास करके, द लाइन ज्वाइनिंग देम आर नियर द ऑब्जेक्ट टू बी लोकेटेड, हाँ तो ये जो है इनकी अगर मान लीजिए मैं क्या बोल, ये बोलना क्या चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है मान लीजिए कोई ट्रेवर्स है, कोई ट्रेवर्स है, तो ये ट्रेवर्स की जो रेखाएं हैं, जो रेखाएं मैंने खींची ए बी सी डी जो भी है, ठीक, ये इस तरह से सिलेक्ट करी जानी चाहिए कि मान लीजिए अगर इसके आस पास कोई मेजर ऑब्जेक्ट है ये इसकी पहुंच में आ जाए, मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो ये इसके पहुंच में नहीं आ रहा है, ये बहुत दूर हो जा रहा है, इस रेखा से भी बहुत दूर है, इस रेखा से भी बहुत दूर है और इस रेखा से भी बहुत दूर है, तो ये कैसी होनी चाहिए रेखा, ये रेखा ऐसी होनी चाहिए कि इसके पास में आ जाए, ये जो बहुत, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इसके पहुंच में आ जाए, ठीक, ये कहना चाह रहा है, तो द लाइन ज्वाइनिंग देम आर नियर द ऑब्जेक्ट टू बी लोकेटेड, जो ऑब्जेक्ट है वो आपको जो लोकेट करना है उसकी दिशा, उसकी स्थिति फाइंड करनी है, वो रेखा के पास में होना चाहिए, ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही। अगला क्वेश्चन है 471, क्वेश्चन नंबर 471 ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इन अ बेयरिंग इन द फिगर ए बी सी डी इज रेगुलर पेंटागन इफ बेयरिंग ऑफ ए बी इज 100 डिग्री है देन द डिफ्लेक्शन एंगल एट बी, तो डिफ्लेक्शन एट एंगल एट बी पर पूछना आपसे, ये बना देता हूं इसमें पहले, ठीक है, ये पेंटागन है, इस पेंटागन का मतलब क्या, इसके इंटरनल एंगल कितने होंगे, ये पेंटागन, ठीक, तो पेंटागन का इंटरनल एंगल कैसे निकाले, इंटरनल एंगल का सम कैसे होगा, इंटरनल एंगल का सम होगा 2 × n − 4 × 90 डिग्री, एन की वैल्यू क्या है, इसमें कितनी रेखा है, 1, 2, 3, 4, 5 पांच रेखा है, तो 5 × 10 = −4 यानी कितना हो गया, 6 और कितना हो गया 540। अब ये 540 तो सारे एंगलों का सम है, क्या है ये, समेशन ऑफ ऑल एंगल, आपको क्या निकालना है, मान लीजिए एक एंगल निकालना है, यानी एंगल P मान लीजिए निकालना है, तो एक एंगल कितना हो जाएगा, टोटल एंगल कितने है इसमें, 5 एंगल है, पर सम कितना है सबका 540, एक एंगल कितने का हो जाएगा, 540 / 5 108, इसमें जो भी इंटरनल एंगल मैंने दिखाए हैं, ये एंगल सी, एंगल बी, एंगल ए, एंगल ई, एंगल डी, इंटरनल एंगल, ये सब 108 डिग्री है, तो यहाँ तक किसी को समस्या नहीं, तो ये तो हो गया। अब मैं इसका फिगर बना देता हूँ, पढ़े थोड़ा, मान लीजिए ये रहा, अब आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है ए बी, ए बी है और ए बी की बियरिंग दी हुई, ये बियरिंग दी हुई है 100 डिग्री दी हुई है, और क्या पूछा है, आपको पूछा है डिफ्लेक्शन एंगल एट बी, तो ये बी है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे डिफ्लेक्शन एंगल पूछा, डिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है, अगर आप पिछली लाइन को आगे बढ़ाएं, इस पिछली लाइन को जो आगे बढ़ा रहा हूँ, पिछली लाइन को आगे बढ़ाने पर तो आपको ये एंगल निकालना, ये जो इंक्लूडेड एंगल है ये निकालना, सॉरी डिफ्लेक्शन, तो ये कैसे निकालेंगे, 108 है, ओके, ये पूरा 180 है, ठीक, इसमें से क्या करिए, 180 में से 108 माइनस कर दीजिए,
108 माइनस करना, कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 72। इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, 471 का डी।